हेलो हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल ए आरजे मोनिटर। सभी दोस्तों का स्वागत है, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, अब डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं, टेक्निकल इशू सोल्व हो चुका है। ठीक है, यदि आपने अभी अपना सर्टिफिकेट एनटीसी का यानी एनसीवीटी अभी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट उससे पहले एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जानना ज़रूरी होता है, उसके बिना आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते। तो चलते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे है, क्या करना है, वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, तो आपको उसमें टाइप करना है NCVT MIS। तो हमने टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको जो सबसे पहला है NCVT, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो आप नॉर्मली सी देखते होगा IIT का। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो शायद आप न्यू हो। सबसे पहले होम आएगा, फिर ITI, फिर ट्रेनिंग, फिर वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, जो आपका रिजल्ट शुरू में आपने जो रिजल्ट देखा था उसी से आपका ये मार्कशीट भी डाउनलोड या सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले वेरिफिकेशन पर जाइए। वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लास्ट ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, मार्कशीट वेरिफिकेशन। जी हाँ, मार्कशीट वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मार्कशीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैसे इंटरफेस आएगा, उसमें आपको क्या करना है, इसमें अपना रोल नंबर भरना है। मैं अपना रोल नंबर डाल देता हूँ। रोल नंबर जैसे आप डालते हैं, फिर इसमें आपको ना सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर, एनुअल है तो एनुअल डाल देना है। ठीक है, मैंने डाल दिया। और ईयर्स आपका जो फर्स्ट सेकेंड है जो भी है, मेरा रिजल्ट ओपन हो चुका है। तो आप उसको नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ये इधर लेफ्ट साइड में एक्सेप्ट रिजल्ट, इसका मतलब है कि आप जो ये रिजल्ट आपको हम दिखा रहे हैं साइट ने जो आपने डाला है, आप के अकॉर्डिंग ये सही है ये मार्क्स, यानी आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। यदि एक्सेप्ट नहीं करते तो इसमें अगर आपको किसी भी अपने रिजल्ट में कोई अगर ऐसा लगता है कि डाउट है कि मेरे मार्क्स इतने होने चाहिए, इतने कम हैं, तो आप रेस ग्रीवेंस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रिजल्ट सही है तो आप इसे एक्सेप्ट करके DOB अपनी इस यहाँ पर फिल कर देंगे। DOB फिल करने के बाद आप, मैं अपनी DOB फिल कर देता हूँ, एक मिनट। मैंने DOB फिल कर दी और सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आएगा कंग्रेचुलेशन, योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स। आपको कह रहा है कि 24 घंटे के बाद आपकी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगी साइट पर, और आपको इसके ओके करना है। जैसे आप इसे ओके कर दोगे तो आपको 24 घंटे के बाद ये मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो के पिछले पार्ट्स में कि आपको अपना सर्टिफिकेट ITI का सर्टिफिकेट अगर डाउनलोड करना है तो वो क्या करना होगा, अपना पहले रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट होने के बाद आपके पास एक ऊपर एक आता है, उसे उसमें आता है कि आपको सर्टिफिकेट 24 घंटे के बाद डाउनलोड होगा साइट पर से। तो दोस्तों मैंने पिछले कल मतलब वो वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को अब जैसे मैंने अपने रिजल्ट एक्सेप्ट किया था तो 24 आवर्स हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है कि नहीं है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको क्या करना है, पहले वाला तरीका है किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आपको क्या करना है, आपको NCVT टाइप करना है। NCVT जैसे आप NCVT करेंगे
तो साइट ओपन हो जाएगी, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एनसीवीटी की साइट खुलने पर एक सामने के साथ इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, एनसीवीटी MIS होम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैसे इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको मैं बता, जब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे थे, इसकी नोटिफिकेशन पहले ही हमें मिल चुकी थी कि अभी आईटीआई वालों के जो फर्स्ट ईयर हैं, जो न्यू जॉइनिंग है, उनके क्या हो रहे हैं, उनके एग्जाम एडमिशन हो रहे हैं, किसी के एडमिशन हो रहे, तो साइट पर बहुत ज़्यादा रस था, मतलब प्रेशर था, मेंटेनेंस होने के कारण साइट पर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो हम चलते हैं कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं उसको मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रेनी प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। दोस्तों जो स्टूडेंट्स अभी अपना रिजल्ट नहीं देख पाए, और अगर देख भी लिया होगा किसी के थ्रू, तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाए, क्योंकि एडमिट कार्ड पर भी नहीं होता। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर होगा ना जो आपका, उसके जो शुरू के 00 होती है उसको हमें रिमूव कर देना, हटा देना है, और उसकी जगह हमें कैपिटल लगा दो चाहे स्मॉल आर लगा दीजिए, और बाकी जो आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए 180। इसके बाद आप यहाँ पर अपने फादर्स नेम डालेंगे, मैंने फादर्स नेम डाल। इसके बाद आपने DOB सिलेक्ट आएगी दोस्तों, DOB में जब आप DOB डालते हैं तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं आपको एक कैलेंडर को फिल ना करके हम इसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो मैनुअली कैसे फिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। मेरे DOB है 15, हमें ये वाला डैश लगाना है, और इसको फिर हमें लेटर्स में लिखना है AUG, जो आपकी मंथ है आपका DOB का, वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको डैश देना है, फिर आपका ईयर्स, ये आ गया 1900। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है 54067, फिर आप इसे रिमेंबर कर दीजिए, एंड फिर इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपके ट्रेनिंग प्रोफाइल्स ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब, ये मेरी ट्रेनिंग प्रोफाइल है, मैंने ITA भी की है, मतलब इस सीज़न में, मेरा सीज़न 2018 था, आना था ये रिजल्ट 2020 में, लेकिन 2021 में आया कोरोना वायरस की वजह से। तो ये सब मेरी डिटेल्स हैं आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नीचे देख रहा होगा, आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका। अब आपको इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने डाउनलोड होने के बाद ये आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। मार्कशीट में इसमें बहुत अंदर, मार्कशीट में हमारे मार्क्स आते हैं, बट इसमें मार्क्स नहीं आते। मेरा पंजीकरण संख्या, रजिस्टर्ड नंबर है, ये आ गया देखो, प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर भी आ गया, ये देखिए। जब आप इस बार कोड को स्कैन करोगे तो आपकी डिटेल सारी निकल के आ जाएगी किसी भी स्कैनर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास एंड उद्यमशीलता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
तो ये हमारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। और दोस्तों ये तो हमारा हो गया, ये सर्टिफिकेट जो हम अपने किसी भी फाइल्स में रख सकते हैं। और यदि आपको इसे पॉकेट में रखना है तो एक पॉकेट का भी एक नया ऑप्शन आया है, ये आप अपने पॉकेट में भी आधार कार्ड की तरह रख सकते हैं। तो ये नीचे दिखाया है, इसको आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है। और कट करके जैसे हम आधार कार्ड की लेमिनेशन करवाते हैं, लेमिनेशन करवा के आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा विकल्प दिया है ये ITI वालों ने कि आप हम अपना सर्टिफिकेट अपने जेब में भी रख सकते हैं आधार कार्ड की तरह। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए, और नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। आई होप दोस्तों ऐसे ही फ्यूचर में ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों जय हिंद।